गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली पैंथर। एंड हाउ आर यू गाइस? सो आज मैं निकल रहा हूँ एक नए ट्रिप में। ट्रिप बेसिकली ये थोड़ा सा डिवोशन वाला रहेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में। सो सामान गेट रेडी हो चुके हैं, गाड़ी बस पहुँचने वाली है, और ये थोड़ा सा फैमिली ट्रिप होने वाला है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पाइस रहने वाला है, मज़ा आने वाला है। एंड और टेम्पू ट्रेवलर में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई पर्सनल कार नहीं है, कोई बाइक्स नहीं है, कोई एरोप्लेन नहीं है, कोई ट्रेन की छिक छिक झिक झिक नहीं है। सो अब मैं चलता हूँ अपना सामान लेके अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ से मैं टेम्पू ट्रेवलर आएगा वहाँ से हम उसमें बैठते हैं, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी बज रहे हैं यहाँ पे अराउंड 7:30। सो देखते हैं, डिनर मोस्टली मूर्थल में रुके करेंगे या उससे थोड़े से और आगे। सो ऑल सेट नाउ, ये रह गया है, बाकी मोस्टली लगेज ऊपर जा चुका है और ऊपर बैठ चुका है। दोस्तों दिस इज़ अवर टेम्पू, ओके। और जो हमारा जर्नी स्टार्ट हो रही है, सीधा हनुमान जी के मंदिर से स्टार्ट हो रही है। हाँ, चले गए। तो जिससे कराई मैंने, दिल्ली में या होम मिनिस्ट्री में है। फाइनली जय माता दी, जय माता दी। सबकी वीडियो बना रहे हैं। हम तो ब्लॉग में आएंगे, मतलब नहीं आएंगे ब्लॉग में, ब्लॉग में उनको एडिट कर देना। हेलो, फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे मैं गर्मी भी नहीं लग रही है और ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली एसी वाली है ये, तो अच्छे लगेगा। और वेंट्स इन्होंने सिला बंद कर रखे हैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा चिट चैट होती है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर जर्नी एंड गो फॉर अ ब्रेक। सो हमने अभी हॉल्ट लिया है शिवा ढाबा पे, मामा शिवा ढाबा पे, एंड वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। Let me show you over here. And look at over here. It's too congested over here. Too much people. So अभी चलते हैं यहाँ पे, डिनर विनर करते हैं, एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी। अब देखते हैं कितनी जल्दी खाना मिल पाएगा हमारा। तो फाइनली तो ऑर्डर इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि हम टोटल 12 लोग हैं यहाँ पे। तो अराउंड हमने चार चार परोठे कर गए हैं, अलग अलग गोभी के और मिक्स पराठे और दाल मखनी। सो अभी ऑर्डर कर दिया है, लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तो डेफिनेटली लगेंगे। एंड तो फटाफट ये ऑर्डर हम अभी ऑर्डर कर दिया है, एंड लेट्स सी अभी आता है उसको हम हैव इट, देन मूव फ्रॉम हेयर एंड स्टार्ट अवर जर्नी एंड कंटिन्यू अवर जर्नी ओवर हेयर। और लेट्स सी कल हम मॉर्निंग में कटरा कब तक पहुंचते हैं, और ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी हम कितने हॉल्ट लेते हैं रास्ते में। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर, टिल देन बाय। तो डिनर हो चुका है और भरपेट हुआ, दीज आर द आफ्टर इफेक्ट्स बोलूँगा मैं। और लास्ट में मेरी चाय, जो रात में मुझे जगा के रखेगी, और डेफिनेटली मैं बाइक तो राइड नहीं कर पाऊँगा। और मैं बाइक को राइड नहीं कर रहा अभी, मैं तो मैं आराम से बैठूंगा, मूवी भी देखूंगा आराम से, कि मुझे रिलैक्स होके जा रहा हूँ, तो कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स होके मूवी भी देख के जाएँ, फील आए कि हम एक रिलैक्स ट्रिप में जा रहे हैं इस बार। तो मैं भी ये फिनिश करता हूँ और आपके साथ अगर टेम्पो में मिलता हूँ। ये मैंगो है, मैंगो आवाज मानो, वेरी गुड। खर्चा कराए इनका, तेल खा रहा है।
हाथ नहीं लगाना कह रहे हैं, वो हाथ नहीं लगाना कह रहे हैं। चार पांच बार और सात भी है उसमें। तो एक बार हमारा एक और चल रहा है। टर्किश ट्रिक हो रही है जिसमें हर्षियु फेल हो गया और माइक किडो विंस। आपके साथ ज्यादा मजा आएगा। ट्राई कर लो पापा, आप कहना ट्राई आइसक्रीम खा लिया। डिनर हो चुका है हमारा अभी और अब हम रेडी हो चुके हैं। तो उस आइसक्रीम वाले की तो मेरी बेटी ने एज यूजुअल बहुत वेस्ट करवा दी उसके बेचारे के, तो फाइनली उसने उसको आइसक्रीम दे ही दी। ठीक है, और ये पीछे बैठा हुआ है ना, ये बहुत परेशान कर रहा है लड़का ये, और ये छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा नो उनको गुस्सा करा रहा। और ये जो दूसरा छोटा बच्चा है ये बहुत सबसे खतरनाक बच्चा हो चुका है। ये जो उंगली उंगली दिखा रहा है ना आप लोगों को, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चा हो रहा है। इसको कट कर देंगे, इसको कट करके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे के लोग हिमाचल ही जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसमें जितना भी आपको मुझे क्राउड दिखा है तो इट सीम्स लाइक मोस्टली ये अपना हिमाचल में ही जा रहे होंगे। बट डेफिनेटली कुछ लोग जम्मू भी जा सकते हैं एंड बट जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन हैं जो आपके इस वीकेंड में कवर हो सकते हैं वो आपका शिमला, कसौली एंड आपका मनाली भी हो सकता है। तो अभी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी और जय माता की करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सुबह के अराउंड 5 बज रहे हैं एंड जो हमारा डेस्टिनेशन अभी कैलकुलेट कर रहा है वो अराउंड 4 आवर्स से खा रहा है। 4 घंटे के अंदर हम कटरा पहुँच जाएंगे। अभी छोटा सा ब्रेक लिया था, थोड़ा वाटर ब्रेक, नींद ज़्यादा अच्छी नहीं आई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे और एसी का फ्लो मैं इधर उधर भी कर रहा हूँ पर सीधा सर पे हवा पड़ रही है। बट मैंने मैनेज करा, कोशिश की आराम से थोड़ी देर सो जाऊँ, थोड़ी बहुत नींद आई बट अभी भी आंखों में भारीपन है इस टाइम। देखता हूँ 4 घंटे तक अगर वो भारीपन रिमूव हो जाता है तो अच्छा रहेगा, वहाँ पहुँचने में नींद कम आएगी, फ्रेशनेस ज़्यादा रहेगी। हाँ, तो अभी देखते हैं कितनी जल्दी वहाँ पहुँच पाते हैं क्योंकि इस टेम्परेचर भगा तो बहुत तेज़ रहा है ये एंड लग रहा है कि 4 घंटे से पहले पहुँच जाएंगे। सो लेट्स सी कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं। और जो हमारी दूसरी वाली पार्टी है जो ट्रेन से आ रही है, आप ये देखते हैं कि पहले ट्रेन पहुंचेगी या फिर पहले टेम्पो ट्रैवल पहुंचता है बाय रोल। तो बांटान हम पहुंच चुके हैं और होटल हम अब सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट पहुंचने वाले हैं। इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा है एंड आई कैन शो यू तो आप देखते हैं क्या सीन बनता है और क्या मज़ा आने वाला है क्योंकि रात को नींद बहुत अच्छी नहीं आई। ओके, बीच में टूट टूट के आ रही थी कि यू नो जब आप ये टेम्पो ट्रेवल में बैठते हो ना तो बिल्कुल ऐसे चल रहे होते हैं तो आपकी नींद भी ऐसे होती रहती है। तो ऑल टुगेदर इट्स अ गुड वन। उधर देख सकते नज़ारे, यहाँ बैठ के नज़ारे ढंग से मिलेंगे नहीं। तो नज़ारे हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे जब हम होटल में पहुँचेंगे, कटरा में पहुँचेंगे। सो फाइनली हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं एंड हर टाइम से पहुँचे। टेम्पो ट्रेवलर ने अराउंड 8 आवर्स ले लिए बट दैट्स गुड पार्ट। सीट के नीचे
गुड वन। क्या बोल रहा तो लुक एट अ व्यू ओवर हियर। यहाँ बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, काम है बहुत सारा यहाँ पे। एंड दिस इज़ अवर होटल, यहाँ पे रुके हैं हम अभी। वो कॉम्बिनेशन याद है कॉम्बिनेशन याद है, मैं पुनीत और सुशील जी एक में और बाकी। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कितना अच्छा रूम है और क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। यस, क्या हो गया? आ जाओ, चलो अब तक सामान वहाँ निकलवाते हैं, चेकिंग करते हैं। सो फाइनली उसकी जो मेरा गिम्बल है उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और अभी हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ एक ही रूम हमको अभी मिला एंड क्योंकि इसी खड़े हुए हैं। सो ये एक ही रूम में सारे रुकेंगे यहाँ पे, इतने सारे लोग और यहाँ पे गद्दे वद्दे बिछा के। नमस्ते, कैसे हो? जी तरह मुझसे जजी, कैसे हो आप? ये मेरे बाइक राइडर हैं जो बहुत कम आते हैं। नमस्ते जजी, ये आज पहली बार आए हैं, ये ट्रेन से आए हैं, बाइक भी नहीं आया, शर्म नहीं आई इनको? बाइक से नहीं आई इस बार। मैं फिर भी फोर व्हीलर ड्राइव से आया हूँ। तो अभी हाफ रेडी, तो मोस्टली लोग रेडी हो चुके हैं एंड ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। तो मैंने भी कुछ नहाया धोया नहीं है, ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद फ्रेश होते हैं, नहाते हैं धोते हैं एंड आफ्टर दैट यू नो रेस्ट करके फिर निकलेंगे दिन में। सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट नो, अब थोड़ा रिलैक्स होने का मन कर रहा है। अब नींद ऐसी आ रही है कि अगर मैं इस टाइम सो गया तो मैं कम से कम 4-5 घंटे से पहले नहीं उठने वाला, बट फिर भी और हल्का सा नशा भी आ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक नैप लेता हूँ 1-2 घंटे का, फिर उसके बाद चेंज करके अपने पद यात्रा को स्टार्ट करते हैं, मोर्चा संभालते हैं। और यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, अभी हल्की हल्की धूप थी। और रूम हमने थोड़े से एवरेज ही मिल गए हैं क्योंकि अभी यहाँ से पड़ा हुआ थोड़े से स्ट्राइक करके ऊपर निकलना है हमने एंड तो रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ होल रूम, नॉर्मल आपका ड्रेसिंग टेबल, टीवी वी है, हेडसेट और एक छोटा सा सोफ़ा है हमारे पास और ये बेड है, दैट्स इट। तो अभी थोड़ी देर में आराम करता हूँ और उसके बाद अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं दर्शन और भवन की। तब तक मैं आपको बाद में मिलूँगा अपने पद यात्रा के साथ। टिल देन टेक केयर।